बिहार केमिस्ट दवा व्यवसायी संघ ने सरकार पर गलत नीतियों का आरोप लगाते हुए पटना में अपनी दवा दुकानें बंद कर डीएम आवास का घेराव किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए व्यवसायियों ने अपनी मांग पत्र डीएम को सौंपी। गौरतलब है कि नियमों के अनुसार फार्मासिस्ट ही दवा दुकान खोल सकते हैं, जबकि बिहार में दवा दुकानों की संख्या की तुलना में फार्मासिस्ट की घोर कमी है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार ने बताया कि 30 से 35,000 रिटेल दुकानों की तुलना में मात्र 5 से 6,000 ही फार्मासिस्ट हैं, और ऐसे हालात में सरकार की यह नीति गलत है। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 20 जुलाई से राज्य के सभी थोक दवा विक्रेता निर्माता कंपनियों से किसी प्रकार की दवाइयों की खरीदारी को अगले निर्णय तक बंद कर देंगे। फार्मासिस्ट समस्या, दुकान की संख्या यहां करीब लगभग 35 से 40,000 है, जबकि बिहार में फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट 5,000 से 6,000 है, जिसमें कि सरकारी नौकरी प्राइवेट कंपनी में नौकरी उसी के अंदर है। हमारा कहना है कि हम लोगों को फार्मासिस्ट रखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोगों के दुकान में पढ़े लिखे लोग ही काम करते हैं। अगर फार्मासिस्ट उपलब्ध राज्य में हो तो हम पढ़े लिखे लोगों के जगह पर फार्मासिस्ट को ही अपने दुकान में काम देंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि फार्मासिस्ट उचित मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि 35 से 40,000 दवा की दुकानें हैं, गांव ग्राम देहातों में भी है, तो फार्मासिस्ट गांव ग्राम देहातों में भी काम करने के लिए तैयार हो और सरकार हमको फार्मासिस्ट उपलब्ध करवावे। और जब तक फार्मासिस्ट उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी भी केमिस्ट को साथ किसी भी तरह की प्रताड़ना, किसी तरह की शोषण, किसी तरह का उनके ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं करे, क्योंकि सरकार ही उन्हें दवाई बेचने के लिए लाइसेंस दिए हैं। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग पूरे बिहार के जिला मुख्यालय सब डिविजन मुख्यालय में सारे केमिस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और राइटिंग में सरकार को दिए हैं कि अगर सरकार 20 जुलाई तक हमारे बातों पर गंभीरतापूर्वक नहीं विचार करेंगे तो 20 जुलाई से हम दवाई बेचना बंद कर देंगे। जो स्टॉक में हमारी दवाएं हैं वो दवाई बेचेंगे और 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे।